हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं फेस्टिवल सीरीज़ के हिसाब से बहुत बड़े से DIY शेयर करने जा रही हूँ। हम नए कपड़े लेते हैं, उसका प्राइस टैग ऐसे घर में पड़ा रहता है, उसी से आज हम वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। मैंने प्राइस टैग का ऊपर का जो होल रहता है वो कट करके लिया है, उसको वापस से जेसो दिया है। और अब हम एक्रेलिक और पर्ल ऐसे दोनों कलर ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी कलर है आप वो यूज़ करके ले सकते हो, लेकिन जेसो पहले देना कंपलसरी है। जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी दे सकते हो। मैंने यहाँ 4 कलर कॉम्बिनेशन लिए है, उस पर थोड़ा सा मिरर वर्क किया है। आप यहाँ पे पर्ल वगैरह भी यूज़ करके ले सकते हो, नहीं तो आपके पास लेस वगैरह है पुरानी, वो भी आप यहाँ पे यूज़ करके ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो प्राइस टैग यूज़ किए हैं वो थोड़े हार्ड थे, पतले नहीं थे। आपके पास पतले वाले हैं तो एक के ऊपर एक स्टिक करके उनको थोड़ा सा हार्ड बना लीजिएगा। बीच में मैंने 3D आउटलाइनर यूज़ किया है और उसकी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे की है। इस प्राइस टैग का हम वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। मैंने अंदर वाले पोर्शन में थोड़ी डिज़ाइन ड्रॉ की है, आप शुभ चिन्ह भी यहाँ पे ड्रॉ करके ले सकते हो। अब उसको हैंग करने वाले हैं तो यहाँ मैंने कौड़ी शेड ली है और थोड़ा सा टसल्स वगैरह बनाए हैं। टसल्स मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार दिखाए हैं तो इस टाइम मैंने दिखाए नहीं। और घर में पड़े थोड़े से मोती थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं डेकोरेटिव करने के लिए। उलन में मैं अब उसको थोड़ा सा हैंग करने वाली हूँ। मास्किंग टेप से ही हैंग किया है, फेविकॉल और मास्किंग टेप दोनों से मैंने यहाँ पर स्टिक करके लिया है। इसमें मैंने 2 वॉल हैंगिंग बनाए हैं जिसके लिए मैंने 4 प्राइस टैग यूज़ किए हैं। आपके पास ज़्यादा प्राइस टैग है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो एक साइड का मेरा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया। तो चलो, ये वॉल हैंगिंग हमारे दोनों भी रेडी हो गए हैं। आपको ये कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं अगला DIY। अगला DIY भी प्राइस टैग का ही, दोनों हार्ड वाले प्राइस टैग मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसको जेसो दिया है। जेसो कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मुझे उसको स्पंज से कलर देना था, लेकिन मेरे पास स्पंज अवेलेबल उस टाइम नहीं था। तो मैंने ये बर्तन मांजने वाली जो स्पंज रहती वो मैंने उसी से कलर दिया है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने ऑरेंज और येलो ऐसा रखा है, फेस्टिवल के हिसाब से ये रखा है। और उसको अब हम डेकोरेट करने वाले हैं। हैंगिंग को मैंने मिरर लगाया, तो आपको इसको भी मिरर लगाना हो तो आप मिरर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉल चेन और स्टोन चेन दोनों भी यूज किए हैं। अब हम उसको थोड़ा सा अंदर वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा डेकोरेट करने वाले हैं। आज के सभी DIY 5 मिनट्स क्राफ्ट में आते हैं, मतलब 5-5 मिनट्स में ये सब DIY हो सकते हैं, खाली उसको सूखने में ही थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे अंदर वाले पोर्शन में शुभ और लाभ लिखा है। आप यहाँ पे और भी कुछ ड्रॉ करके ले सकते हो, जो कि शुभ चिन्ह रहते हैं वो भी आप इसने भी ड्रॉ किए तो भी चलेगा। और ये हमारा शुभ और लाभ वॉल हैंगिंग रेडी हो गया। यह मैंने वापस से बंधनवार के एलिफेंट और बेल दोनों भी यहाँ पे लगा ली है। तो चलो, प्राइस टैग का और एक DIY हमारा रेडी हो गया है फेस्टिवल के लिए। आज की इस वीडियो में जो भी DIY मैंने शेयर किए हैं वो भी घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से ही है। तो चलो आगे थर्ड DIY देखते हैं। यहाँ मैंने एक पेपर लिया है, उस पेपर को मैंने गोल्डन सेलोटेप लगाया है। मुझे यहाँ पे दिया बनाना है। दिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पंखा जैसा बनाता है वैसी स्टेप फॉलो की है और ऐसे 4 दिए मैंने बनाए हैं। आपका डोर जिस नाप का है उसी नाप से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सैंपल आपको बना के दिखाया है। अब हम ग्रीन पेपर लेंगे, जो भी पेपर लिए है A4 साइज़ के है, उसके छोटे छोटे कट करके लिए है और उसका आज हम लीव्स बनाने वाले हैं। मैंने लीव्स सिंपल तरीके से ही बनाए हैं। मतलब 9 लीव्स बनाए हैं। छोटा छोटा DIY मैंने यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ, जो कि सच में 5 मिनट्स में हो जाता है और बढ़िया सा बंधनवार हमारा रेडी हो गया है फेस्टिवल के लिए। तो चलो अब देखते हैं अगला DIY, वो भी वॉल हैंगिंग है, मतलब हम साइड में हैंग करके ले सकते हैं। या मैंने यूजन थ्रू के बाउल लिए हैं और उसको गोटा पट्टी के लिए खाली सर्कल सर्कल में उसको स्टिक करनी है। या मैंने ग्लू गन से स्टिक किए हैं, फेविकॉल से स्टिक किए तो थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए ग्लू गन यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। और ऐसे ही पूरा घुमा के पूरा बाउल उसको गोटा पट्टी की लेस हमें लगानी है। गोटा पट्टी की लेस नहीं है तो और कोई लेस आपके पास होगी तो आप वो भी लगा सकते हो।
ये जो वॉल हैंगिंग मैं आज अभी दिखा रही हूँ वो आपको वॉल हैंगिंग में हो सकता है, नहीं तो आपने इसको बहुत सारे बनाए तो इसका भी बंधनवार इसी तरीके से हो सकता है। या मैंने पूरा इसमें गोटा पट्टी के लेस लगा के लिए है। और अब हम पॉम पॉम बॉल लगाने वाले, मैंने नीचे साइड ही पॉम पॉम बॉल लगाए हैं, आपको बीच वाले साइड में लगाया तो भी सुंदर दिखेगा, आप वो भी ट्राई करके ले सकते हो। अब हम उसको एलिफेंट और बेल में मेरे पास थी तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको पॉम पॉम बॉल बीच में लगाया तो भी चल सकता है। तो चलो सिंपल वाला हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है, जो कि ईडन थ्रो के बाउल से मैंने बनाया है। तो चलो बनाते हैं अगला डीआईवाई। यहाँ मैंने एक सीडी लिया है, सीडी नहीं है तो कार्डबोर्ड ले सकती है, और फोम शीट लिया है ग्लिटर वाला, उसके नाप से मैंने कट करके लिया है सीडी के नाप से। कट हो जाने के बाद हम उसको गोटा पट्टी के लेस लगाने वाले हैं, वो ग्लूगन से स्टिक किया है मैंने फोम शीट यहाँ पे। आपके पास गोटा पट्टी की लेस नहीं है, आप मिरर वगैरह भी यहाँ पे यूज करके ले सकते हो। ये सिंपल वाला मैंने शुभ लाभ का वॉल हैंगिंग यहाँ पे बनाया है। इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल सिंपल आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए है, जो कि वेस्ट मटेरियल से ही है, और घर में आसान तरीके से ये सब मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल होता है, उसी से मैंने सब फेस्टिवल रिलेटेड डेकोरेटिव डीआईवाई आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ मैं गोल्डन पोलन लगाया है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक के फ्लावर्स वगैरह आते हैं वो आपने यहाँ पे स्टिक किया तो भी चलेगा। मिरर वर्क थोड़ा सा मैंने और किया है, आपने वही पूरे सीढ़ी में मिरर वर्क किया तो भी चल सकता है। इस सीढ़ी का डेकोरेशन हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे मिरर वगैरह तो भी किया है, और मिरर वर्क वगैरह हो जाने के बाद मैं अब उसका एक फोम शीट का कोन बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्वायर कट करके लिया है और उसी का ही फोम बनाया है, और यहाँ पे मैंने पॉम पॉम बॉल यूज़ किए हैं। आपको यहाँ पे पोलन लगाया या प्लास्टिक के फ्लावर्स होंगे आपके पास पुराने वाले तो वो भी आपने यहाँ पे यूज़ किए कोन के लिए तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने ऊपर का जो पोर्शन था एक्स्ट्रा वाला फोम शीट का आया था वो मैंने कट करके लिया है, और ऐसा सिंपल सा कोन मैंने यहाँ पे बनाया, और उस कोन को भी मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी की लेस लगाई। आप यहाँ पे मिरर लगाया तो भी चलेगा। दिवाली के लिए और टाइम है तो इसीलिए घर में पड़े बेकार चीज़ों से हम धीरे धीरे बहुत सारे DIYs बना सकते हैं और आसान तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही DIYs और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये फेस्टिवल सीरीज़ में। इस कोन और पम पम बॉल का मैंने एक लटकन बनाया है, जो कि सिंपल थ्रेड में मैंने यहाँ पे लटकन बना के लिया है, और सीढ़ी के पीछे साइड में मास्किंग टेप और फेविकॉल की हेल्प से उसको स्टिक करके लिया है। सीढ़ी का डेकोरेशन हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली गोल्डन कलर ही यूज़ किया है। आपके पास गोल्डन कलर या 3D आउटलाइनर हो तो आप उसी से ही शुभ और लाभ लिख सकते हो, और थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए आप यहाँ पे स्वस्तिक वगैरह भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे सीढ़ीज़ आपके पास बहुत है तो आप इसका भी बंधनवार बना सकते हो। तो चलो हमारा ये सिंपल सा बंधनवार रेडी हो गया है, जो कि वेस्ट पड़े सीढ़ी से हमने ये बनाया है। आपको ये आज का वीडियो कैसे लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं आज का हमारा लास्ट DIY, जो कि हैंगिंग उरली है, वेस्ट मटेरियल से ही बनाई हुई है। यह हैंगिंग उरली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और लकड़ी के स्पून लिए हैं। आपके पास लकड़ी के नहीं है, प्लास्टिक के स्पून है यूज़ एंड थ्रो के तो भी चल सकता है। बीच वाले पोर्शन में स्टिक करने के लिए मैंने एक नाप के कार्डबोर्ड कट करके लिया है सर्कल में, और उसी से आज हम फ्लावर बनाने वाले हैं। हैंगिंग उरली इजीली अमेजोन पे अवेलेबल रहती है, लेकिन वो 300 या 400 रुपये में कम से कम मिलती है, तो यही सेम आज हम घर पे बनाने वाले हैं। जो यूज़ एंड थ्रो के स्पून है उसी से आज हम फ्लावर बनाने वाले है लोटस टाइप। ये मैंने 3 या 4 बनाए हैं, आप आपके हिसाब से कितनी लंबी चाहिए आपको हैंगिंग उरली उस हिसाब से बना सकते हो। ऐसे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और उन सबको मैंने गोल्डन स्प्रे कलर दिया है। आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक कलर या गोल्डन पर्ल कलर भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सबको स्प्रे कलर करके और वो ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक धागा लिया है, जो कि धागा बहुत ही पक्का है, आपको वही धागा लेना है क्योंकि ये उरली हमें हैंग करनी है। और लास्ट वाले पोर्शन में मैंने थोड़े से बड़े पर्ल डाले हैं, आपके पास वाइट कलर हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास रेड कलर के थे इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ करके लिया है। अब हम
बाउल, फ्लावर्स सबको एक साथ स्टिच करने वाले हैं जो कि वो हैंग हो सके अच्छे से। बीच वाले में भी मैंने पर्ल डाले हैं रेड कलर के, और ऐसी हमारी ये सिंपल सी हैंगिंग उर्ली रेडी हो गई है। उस उर्ली को हैंग करने के लिए मैंने पुरानी बैंगल को सेटिन रिबिन लगाई है रेड कलर की, मतलब कलर कॉम्बिनेशन मैंने वैसे ही रखा है तो उसके हिसाब से मैंने रेड कलर किया है। तो चलो, और बीच वाले जो पर्ल थे उसको मैंने ग्लूगन की हेल्प से थोड़ा सा फिक्स करके लिया है। ये हमारी हैंगिंग उर्ली रेडी हो गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगे, आपको ये DIYs कैसे लग रहे हैं, फेस्टिवल सीरीज कैसी लग रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही नए DIYs और नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।